हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर 15 जुलाई का 2023 का। तो करंट अफेयर सभी के एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, या फिर जो भी रिसेंटली में एग्जाम होने वाले हैं, सब में ये यूजफुल होता है। और वन डे एग्जाम में खासकर, तो वन डे एग्जाम के अनुसार मैं करंट अफेयर लाई हूँ। तो 15 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे हम आज। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो उत्तर है ओडिशा सरकार ने। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देन में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? तो वह लगाया 28%। तो प्रश्न है अगला, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया? तो वनिंदु हसरंगा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वह है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो वह चलाया ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। हाल ही में कहां में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो उत्तर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में कौन सा आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है? तो वह बनी है प्रोफेसर प्रीति अथलायम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? वह शुरू किया है बांग्लादेश ने। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुआलालंपुर HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो मलेशिया के। अगला क्वेश्चन है, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो वृंदा ग्रोवर को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SK सिंह को। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो मलेशिया ने। हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ईएसए, ईसा के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो पनामा ने। प्रश्न है अगला, हाल में ही किस राज्य ने काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई बनाई जा रही है? तो वहाँ गुजरात में बनाई जा रही है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया? तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया चीन ने, ओपन फाइलिन नाम है। प्रश्न है अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जीके सती। फिर और आपको कैसा लगा है करंट अफेयर बताइएगा जरूर। तो अपना फीडबैक दीजिए और करंट अफेयर को देखिए और सब में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।